हेलो कम्युनिटी, मेरा नाम है परदेसी और आप सबका स्वागत है देसी गाइड्स विद परदेसी। जो लोग नए आए हैं और मुझे नहीं जानते, मेरा इन गेम नेम है परदेसी और मैं पिछले कुछ सालों से कम्पिटिटिव पोकेमोन नाइट खेल रहा हूं। और ये गाइड वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बाकी गाइड वीडियो से, क्योंकि बाकी गाइड वीडियो में आपको हीरो सिखाया जाता है किस हीरो को कैसे खेलते हैं। इसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप या हैबिट्स दूंगा जो मैं पिछले अपने कॉम्पिटिटिव जर्नी में यूज करता आया हूँ या फिर मैं सीखा है अपने इस जर्नी में, जो आपको एज अ प्लेयर इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगी, चाहे आप सोलो खेल रहे हो, डुओ खेल रहे हो, ट्रियो खेल रहे हो या 5-मैन खेल रहे हो। तो सारे के सारे अपने वॉल्यूम हाई कर लो या एयरफोन लगा लो और सीधा बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ, वो है मैप रीडिंग। तो जो मैप रीडिंग है या मैप पैनिंग है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो है सीधा मिनी मैप जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, उसको देख के आप रीड करते हो और कैलकुलेट करते हो अपना रोटेशन या फिर मेरे को एग्रेस करना चाहिए या एनिमी किधर है वो जानने के लिए। वो तो हो गया छोटा सा पार्ट। फिर उसका दूसरा बड़ा पार्ट है ड्रैग करके आप मैप में देखते हो किसी एक लोकेशन में कि अच्छा टीम फाइट यहाँ हो रही है या टीम फाइट वहाँ हो रही है। तो जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ, मिनी मैप भी पढ़ रहा हूँ और फिर एनिमी का पोजिशन भी रीड करने की कोशिश करो मैप ड्रैग पैन करके, ताकि मेरे को ज्यादा दिक्कत ना हो और मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कौन कहाँ है। तो इधर मेरे को पता है एनिमी में मैं हुपा को स्टन करके या फिर डेसिडॉय को स्टन करके डायरेक्ट मार सकता हूँ। तो मेरे को मिनी मैप में दिखा कि सीजर और लैप्रस है और फिर हल्का सा झलक मिला था मेरे को ग्रीनजिया का उधर से आते हुए और हुपा और डेसिडॉय भी उधर ही है। तो फिर मिनी मैप में तो वो अपने टावर की तरफ था, फिर मैं ड्रैग करके पता चलता है कि वो अपने जंगल की तरफ आ रहा है। तो फिर मैं पास जाता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं अभी इधर टर्न मार के अल्टी मारूंगा तो मेरे को 2 किल तो कंफर्म है हुपा और डेसिडॉय का, अगर वो चिपके रहे। तो फिर मैं कंफर्म करने के लिए एक और बार ड्रैग करता और मुझे कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा वहीं पर है। फिर मैं जाता टर्न करता हूँ, फ्लिकर मार के उस तक पहुंचता हूँ, अल्टी फॉर स्किल एंगेज और निकल गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप जितना प्रैक्टिस कर सको मैप पैनिंग का, मैप रीडिंग का, वो आदत डाल लो धीरे धीरे, क्योंकि वो लॉन्गर टर्म आपको मदद करेगा ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने में। क्योंकि आप अगर आप बस सीधा सीधा चल रहे हो, किसी की स्किल मार रहे हो, तो आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। लेकिन जितना आप इन सब हैबिट को ग्रो करोगे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। तो ये एक तरह का बिगिनर प्रैक्टिस हो गया। जो लोग एकदम नया नया सीखना चाहते हैं, बस एक ही हीरो का टारगेट क्या करो टीम फाइट में, चलो मैं बस एनिमी के अटैकर को हर बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो पूरा 1-2 दिन बस एनिमी के अटैकर को हर बार टीम फाइट में बस ढूंढ के रखो। तो फिर धीरे धीरे इस आदत को बढ़ाओ, जिस हीरो को देखना चाहो उस हीरो को तुरंत टीम फाइट के बीच में पैन करके देखा करो, तो कि आपको पता चले कि वो बंदा किल यूज कर चुका है कि नहीं, उस बंदे का HP लो है कि नहीं, ताकि आप एंगेज उस हिसाब से कर पाओ या फिर रिट्रीट कर पाओ। या फिर अगर आप किसी ऐसे जंगलर को देख रहे हो कि वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको जल्दी पता चल जाए। तो जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल सको उतना आपके लिए अच्छा, और इतना ही ईजी रहेगा गेम। अगला है फार्मिंग का। फार्मिंग प्योर डिसिप्लिन पे आता है कि आप कितना ओवर एक्सटेंड कर रहे हो, कितना फार्म पे ध्यान दे रहे हो। या तो आप फार्मिंग सिमुलेटर तो नहीं खेल रहे कि जिंदगी भर बस फार्म करते रह गए, फार्म किया ही इतना मोटा टीम फाइट में कहीं दिख ही नहीं रहे, वो ओवर हो जाता है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो प्योर डिसिप्लिन पे बात आता है, तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तो इस गेम में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका लेवल काफ़ी हाई रहे। अगर आप टॉप जंगल ऐसे खेल रहे हो तो आपका रिक्वाजा तक कम से कम लेवल 13 रहे, 14 रहे या फिर एनिमी से ज़्यादा रहे। तो इससे ये सीन रहता है कि अगर आप टीम फाइट लेते हो उनके अगेंस्ट तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप उन्हें आउटफार्म करके रखते हो। तो इस गेम में आपको एक्सपीरियंस 3 तरीके से मिलता है। एक होता है पैसिव एक्सपीरियंस, जो अर्ली गेम बहुत काम आता है कि आप देख रहे हो कि आप कुछ ना करो तो भी लेवल 3 हिट कर रहे हो, वो सब जब तक आप इवॉल्व ना करो, वो होता है पैसिव एक्सपीरियंस वाला। ऑब्टेनेबल एक्सपीरियंस जो आपको फार्म के थ्रू मिलता है या किल के थ्रू मिलता है। और तीसरा हो गया स्कोर एक्सपीरियंस, जो आपको स्कोर करने के बाद मिलता है। तो इनकेस इन अ लूजिंग गेम आपको दिख रहा है कि आपको डेडनॉट नहीं मिल रहा, आप बस रोटम डिफेंड किया जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका कोर फोकस होना चाहिए कि मैं फार्म करूँ, ना कि मैं जाके अपना किल देता रहूँ या फिर एनिमी को चेस करता भागूँ। इससे अच्छा फार्म कीजिए, क्योंकि आप जो भी फार्म लेते हो 1 मिनट बाद फिर से स्पॉन होगा। तो सोचिए अगर आपके पास रिक्वायर से पहले और 3 मिनट बचते, अगर आप हर फार्म उठा ले तो आप 3 बार वो फार्म को ले सकते हो। अगर आप वो नहीं कर रहे फिर सीधा जाके एनिमी पे टीम फाइट एंगेज कर दे रहे हो, एक तो ऊपर से आप हार रहे हो, ऊपर से एनिमी का फार्म आपसे ज्यादा ही होगा। अगर आप हार रहे हो तो वो आपका किल लेंगे, आपके जंगल आएंगे, आपका फार्म भी ले जाएंगे। तो आपके लिए लेवल अप करना हार्ड रहे और भी हार्ड होता जाएगा। इससे अच्छा फार्म कीजिए, सेफ खेलिए थोड़ा सा, और एनिमी के लेवल के बराबर आना चाहिए, फिर जाके एक प्रॉपर टीम फाइट लीजिए। वरना उससे पहले अगर आप टीम फाइट लेते रहे तो चांसेस है कि आप हारते रहेंगे, अगर एनिमी गलती ना करे तो, ज्यादा डीप ना है। और हमारा अगला पॉइंट है स्कोर। तो जब मैं भी ये गेम स्टार्ट में सीख रहा था तो स्कोरिंग का थोड़ा कैलकुलेशन में मेरे को इश्यू आ रहा था,
क्योंकि मैं पहले ये ट्राई किया कि हर स्कोर काउंट करूं, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि लोग थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। फिर जितना ज्यादा खेला उतना समझ में आया कि हमें बस ओवर कैप काउंट करना रहता है। अब ओवर कैप क्या है कि अगर किसी टावर में 5 बचा हुआ है, सोचो कि आपके नीचे के टावर में 5 बचा हुआ है, तो उधर किसने डाल दिया 26, बस ये गिनो कि उसने 21 एक्स्ट्रा डाला है। फिर अभी ऊपर के टावर में बच गया है 10 का गोल, तो उधर आके किसने मार दिया 40, तो उसमें बचता है 30 का गोल। तो अभी दोनों टावर में टोटल मिला के 51 का ओवर कैप हुआ है। उसका मतलब क्या है कि 80-80 जो टावर था उसमें 51 का ओवर कैप हुआ है, तो 160 तो लग ही गया, प्लस 51 उसमें आप ऐड कर दो तो कितना आता है 211। तो वैसे स्कोर गिनो तो इजी पड़ता है, सिर्फ ओवर कैप गिना करो। तो हाँ, अगर आप एग्जैक्ट नंबर भी याद ना रख पाओ तो एटलीस्ट एस्टिमेट लगा के रखो कि 100 के पास है, 250 के पास है, या उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो उससे सीन क्या रहता है कि अगर आप जीत रहे हो और एनिमी फ्लिप भी कर दे और 100-200 का पड़ भी जाए और आपको पता है कि चलो 50 का ही लीड हो सकता है इन लोगों के पास, और फिर उधर येलो स्ट्रगलिंग ऐसा कुछ दिखाता है, तो आपको उस पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। आप उससे पहले ही खुद से ही एस्टिमेट लगा के कर सकते हो कि चलो हमें बस हल्का सा थोड़ा और गोल मारना है, 20 गोल मारना है, तो आप उधर जाके 40 का गोल लेके नहीं जा रहे हो। आप एग्जैक्ट पता है एग्जैक्ट जीतने के लिए बस 20 गोल चाहिए, आप 15 ऐसा कुछ लेके जा रहे हो, 30 का ओवर मतलब डबल करके पड़ रहे हैं। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, प्ले मोर हीरोस, या फिर सीधी भाषा में कहे तो अपना हीरो पुल बड़ा करो भाई लोग। तो जब आप डिफरेंट हीरोज ट्राई करते हो तो आपको ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मेरा एग्जांपल पकड़ लो, मैं सपोर्ट रोल खेलता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को कह दो कि ये हीरो खेलो वो हीरो खेलो, मैं बैठता हूँ खेलता हूँ, मेरे को पता चलता है कि चलो मैं आज बजोल खेला, तो मुझे पता है कि ये जो बजोल हीरो है इसका रेंज क्या है, इसका अल्टी क्या करता है, ये डैमेज कैसे देता है। तो जब मैं उसके अगेंस्ट खेलूंगा तो मेरे को बहुत कुछ पता रहेगा कि चलो मेरे को इस रेंज के अंदर नहीं जाना, क्योंकि जब मैंने खेला था तो जो भी इस रेंज में आ रहा था मैं तो उसको पटक रहा था। तो जितना हीरोस आप खेलोगे उतना आपको उस हीरो के बारे में पता चलेगा। तो मान लो आपका हीरो जंगलर ही क्यों ना हो, टॉप लेन ही क्यों ना हो, आप ट्राई करो सपोर्ट हीरोस ट्राई करो, डिफेंडर ट्राई करो, उससे जब आप ऐसे टीम खेलोगे ना तो आपको सिनर्जी बिठाने में ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि सोचो आप टैंक खेल रहे हो, आप नॉर्मली जंगल रोल खेलते थे लेकिन आप टैंक खेल रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो आप जब स्नोलैक्स ट्राई कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि अरे ये स्किल तो स्टन देता है, और जब मैं स्टन दे रहा हूँ कोई बैकअप ही नहीं दे रहा है। तो जब आप ग्रेनिंजा खेलोगे अगली बार से किसी स्नोलैक्स को देखोगे वैसा स्टन देते हुए, तो आप उसमें आके डैमेज दोगे, है ना। तो आप वैसे ही थोड़ा सा सिनर्जी बोलो कि कॉम्बो बोलो खुद से बनाने लगोगे। तो वही जितना आप हीरोस खेलोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा ड्राफ्ट में, क्योंकि आपको अपने ही रोल के 2-3 हीरो आते हैं, प्लस अलग रोल के अगर स्विच करना पड़े तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि चलो मैं इस हीरो के बाद क्या सीखूं, तो हर पैच नोट के बाद एक टियर लिस्ट आता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। उससे आपको पता चलता रहता है कि कौन सा हीरो चल रहा है, कौन सा हीरो थोड़ा डाउन चल रहा है। तो आई गेस टियर लिस्ट बेस्ट है। और इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे हार्ड पॉइंट वो है रेज क्विट ना करना। मोस्टली सबसे कॉमन रीजन रहता है रेज का कि मेरे लेन में कोई नहीं आ रहा, या मेरे जंगल में मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फार्म कोई टपा के ले गया। ये सब छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटी से होता रहता है, एक गेम होगा दो गेम होगा। लेकिन सोलो खेलने का मतलब ही ये है कि मैं अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहता। अगर आप सोलो खेल के भी रैंक पुश का सोच रहे हैं तो आप एक साथ दो हार्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि मेरे को रैंक पुश करना है, वो पहले से थोड़ा हार्ड है क्योंकि सामने एनिमी मस्त आ सकती है, वो लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि मेरे टीममेट भी मेरी बात सुने। आप सोच रहे हो आप सोलो में ये सोच रहे हो कि मेरी टीममेट मेरी बात सुने, चांसेस बहुत लो है कि वो लोग आपकी बात सुने। तो आपको वैसे ही खेलना होगा, उसी माइंडसेट के साथ खेलना होगा स्टार्टिंग में। तो फिर जैसे जैसे आप खेलते जाओगे देखते जाओगे कि फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा खेल रहा है, मैं अपना गेम निकाले जा रहा हूं। तो जब आपका वो स्ट्रांग माइंडसेट बनेगा ना, तो जब आप करीब 1800-2000 पॉइंट पहुंच जाओगे तो आपको अपने आप अपने जैसे लाइक माइंडेड वाले प्लेयर्स मिलने लग जाएंगे जिनके साथ आप टीम बना सकते हो, फिर वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अलग बात है। तो अभी के लिए यही 5 पॉइंट थे, तो मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे देता हूँ इन 5 पॉइंट का, जो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर याद करके रख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख के जा रहे हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पे आपने शायद कम बात किया, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके बताइए, या फिर कोई और टॉपिक है जिनके बारे में आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आशा करता हूँ मैं जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो निकाल पाऊँ।